नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां आपको मिलेगी किडनी से जुड़ी सारी जानकारी बस एक क्लिक में। किडनी खराब हो जाने के बाद पेशेंट को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो इससे उन्हें ठीक होने में काफी परेशानी हो सकती है। ऐसे में जो किडनी रोगी डायलिसिस करवा रहे हैं, उन्हें बाकी किडनी रोगियों से भी ज्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। इस दौरान वो काफी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। दरअसल डायलिसिस करवाने के कारण बॉडी में जमा टॉक्सिन्स के साथ साथ विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और सबसे जरूरी प्रोटीन भी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसे में किडनी रोगी को अपनी डाइट पर काफी ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। काफी बार देखा गया है कि किडनी रोगियों को अपनी डाइट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती कि उन्हें डायलिसिस के दौरान क्या लेना है और क्या नहीं। अगर आप भी डायलिसिस से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायलिसिस होने पर किडनी रोगी अपनी डाइट में क्या ले सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और जाने डाइट प्लान फॉर डायलिसिस पेशेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और सबसे पहले जानते हैं सब्जियों के बारे में। डायलिसिस करवाने वाले किडनी रोगी टिंडा, परवल, तोरी, लौकी और हरा कद्दू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फलों में सेब, नाशपाती, अमरूद बीज निकालकर और अगर डायबिटीज नहीं है तो पपीता भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। कुछ किडनी रोगियों को उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर अनानास भी दिया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं अनाज के बारे में। डायलिसिस करवाने वाले किडनी रोगी गेहूं, चावल, मूंग दाल और सोयाबीन की दाल भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, ये सभी कितनी मात्रा में लेना है इस बारे में पेशेंट की रिपोर्ट देखने के बाद ही ठीक से बताया जा सकता है। अगर आप इस बारे में पूरी और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए अब जानते हैं डायलिसिस करवाने वाले पेशेंट को अपनी डाइट में क्या प्रोटीन लेना है और कितनी मात्रा में। तो डायलिसिस वाले दिन अपनी डाइट में दो एग व्हाइट या चिकन 40 से 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर किडनी रोगी शाकाहारी है तो 30 ग्राम सोयाबीन या फिर पनीर ले सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी रोगी इन सभी चीजों में से केवल एक ही चीज को अपनी डाइट में शामिल करें। कुछ किडनी रोगियों के स्वास्थ्य और डायलिसिस के आधार पर उनके प्रोटीन की मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, इसलिए आपको कितना प्रोटीन लेना है इस बारे में रिपोर्ट देखने के बाद ही अच्छे से बताया जा सकता है। यहाँ आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम लोग यानी किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस किसी भी तरह से डायलिसिस का समर्थन नहीं करता। हम सभी किडनी रोगियों को डायलिसिस छोड़ आयुर्वेदिक उपचार लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि डायलिसिस करवाने से कभी भी किसी भी किडनी रोगी की किडनी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन अगर किडनी रोगी आयुर्वेदिक उपचार लेते हैं तो इससे उनकी किडनी बड़ी तेजी से ठीक होती है। डॉक्टर पुनीत ने आज तक आयुर्वेदिक उपचार की मदद से 1,50,000 से भी ज्यादा किडनी रोगियों को बिना डायलिसिस के ठीक किया है। तो अगर आप भी डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? श्रीमती लक्ष्मी देवी। जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी उनको? मैं बेसिकली चलने में सबसे ज़्यादा परेशानी थी। जब चलती थी तो हाँफती थी वो, 10 कदम चलने के बाद ठीक से चल नहीं पाती थी, खांसी थी, पैरों में दर्द होता था, बेसिकली वीकनेस बहुत ज़्यादा था। अभी कैसे हैं? वीकनेस बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्ट्रेंथ फील कर रही है वो, अपना काम खुद अच्छे से कर लेती है और जो हाँफने वाली परेशानी थी बहुत कम गई, बहुत कम गई, एक ताकत फील करी और कंपेरेटिवली गुड, अच्छा रिजल्ट। तभी सेकंड टाइम आया है, ऑब्वियस है। आपने GFR का टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट दिखाइए। फर्स्ट अभी जो कराया ये रिपोर्ट है। ये कहाँ से कराया ये टेस्ट आपने? ये पटना से कराया।
अच्छा, क्योंकि पेशेंट पटना में ठंड में यहाँ पे लाना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं पे करा लिया। पहले जब जीएफआर कराया था तब कितना था वो? 10.1 समथिंग था। अच्छा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है जीएफआर। जी जी,